हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो YouTube चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक और स्मॉल स्केल बिजनेस आइडिया, जिसकी शुरुआत आप कर सकते हो ये दो मशीन खरीद कर। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात क्या है, ये दोनों मशीन सिंगल फेस पे चलती है। मतलब अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप अपने घर से भी कर सकते हैं या फिर छोटी मोटी दुकान लेकर भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप दुकान लेना चाहते हैं तो आपको किसी भी बड़ी कॉलेज या स्कूल के बाहर ये बिजनेस शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों, वो बिजनेस आइडिया है बुक बाइंडिंग बिजनेस, मतलब बुक को बनाकर बेचने का बिजनेस। दोस्तों, एक चीज मैं आपको पहले ही क्लियर करना चाहूंगा, नोटबुक मेकिंग बिजनेस अलग होता है, बुक बाइंडिंग बिजनेस अलग होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए, नोटबुक मेकिंग बिजनेस में आप अपने हिसाब से बल्क में नोटबुक बनाते हो, 100 पेज की, 200 पेज की, 400 पेज की, और उसको मार्केट में बेचते हो। लेकिन बुक बाइंडिंग बिजनेस में कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कस्टमाइज बुक बनानी पड़ती है। और दोस्तों, इसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड होती है। आप खुद जानते होंगे, जो क्लासेस वाले होते हैं, कॉलेज वाले होते हैं, स्कूल वाले होते हैं, वो अपने नाम से कस्टमाइज बुक बनवाते हैं। अब उनको जब बुक बनानी होती है तो वो नोटबुक मेकिंग कंपनी को कॉन्टेक्ट नहीं करते, ये इनके आसपास से जो भी बुक बाइंडिंग का काम करते हैं उनको कॉन्टेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने आसपास में बुक बाइंडिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, कितनी मशीन्स खरीदनी होगी, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बताऊंगा कि बाइंडिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। और आज की वीडियो के लाइक्स एंड कमेंट्स का टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 1000। तो अभी का भी वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में आपका नाम लिख दे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, बुक बाइंडिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कितने रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, बुक बाइंडिंग बिजनेस के लिए आपको टोटल 3 रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। सबसे पहला पेपर, दूसरा कवर और तीसरा ग्लू। पेपर आपको मार्केट में 40 रुपए से लेकर 150 रुपए किलो के बीच में मिल जाएगा। दोस्तों, आपको अलग अलग प्रकार के पेपर खरीदने होंगे, जैसे कि लाइन वाले पेपर, प्लेन पेपर, बॉक्स वाले पेपर, ग्राफ पेपर, कलरिंग पेपर। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पेपर खरीदना होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पेपर की जो क्वालिटी होती है वो GSM के हिसाब से होती है। GSM जितना कम होगा पेपर की क्वालिटी उतनी लो होगी और पेपर की प्राइस भी कम होगी। GSM जितना ज्यादा होगा उसकी क्वालिटी उतनी ज्यादा होगी। तो दोस्तों, आप अपने बजट और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेपर खरीद सकते हैं। अगर कस्टमर कहता है कि उसे लो क्वालिटी की बुक बनवानी है तो आप लो क्वालिटी का पेपर खरीद सकते हैं। अगर कस्टमर कहता है कि उसे अच्छी क्वालिटी की खरीदनी है तो आप अच्छी क्वालिटी का पेपर खरीद सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों, आपको कवर की जरूरत होगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप नोटबुक बनाते हैं तो बना बनाया कवर आपको 1.5 रुपए से लेकर 2 रुपए पर पीस के हिसाब से मिल जाता है। लेकिन आप बुक बाइंडिंग का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, इसलिए हर एक प्रोजेक्ट आपके लिए अलग होगा। आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कवर प्रिंट करवाना होगा। कवर को प्रिंट कराने के लिए आप अपने आसपास के प्रिंटिंग प्रेस में जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो जैसी भी रिक्वायरमेंट आपके कस्टमर की होगी उसके हिसाब से वो आपको कवर को प्रिंट करके दे देंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो आखिरी चीज है वो है ग्लू। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, बुक को बाइंड करने के लिए अलग तरह का ग्लू आता है, जिसको बोलते हैं हॉट मेल्ट ग्लू। मतलब ये छोटे छोटे चंक्स में आता है, इसको मशीन के अंदर डालना होता है, उसके बाद में ये गर्मी की वजह से मेल्ट हो जाता है। इसलिए दोस्तों, इसका नाम है हॉट मेल्ट ग्लू और ये आपको बुक बाइंड करने के लिए मदद करेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, बुक बाइंडिंग के लिए इसी ग्लू का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको मार्केट में 150 रुपए किलो से लेकर 250 रुपए किलो के बीच में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 190 रुपए किलो है, लेकिन अगर आप और भी सप्लायर्स को देखोगे तो अलग अलग प्राइस में आपको मिल जाता है। देखिए, यहाँ पे ये सप्लायर आपको 130 रुपए किलो दे रहा है, तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको 150 रुपए से लेकर 250 रुपए किलो के बीच में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मशीनरी के बारे में। इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको कितनी मशीन्स खरीदनी होगी वो जान लेते हैं। दोस्तों, बुक बाइंडिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको टोटल 2 मशीन की जरूरत होगी, इसके अलावा कुछ और भी चीजें खरीदनी होगी। दोस्तों, जो सबसे पहली मशीन है वो है पेपर बाइंडिंग मशीन। ये मशीन बुक को बाइंड करने का काम करती है। ये आपको मार्केट में 2 तरह की मिल जाएगी, मतलब मैन्युअली भी आती है और ऑटोमेटिक भी आती है, तो आप अपने हिसाब से खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैनुअल मशीन होती है उसमें बुक को बाइंड करने में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक मशीन खरीदते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जो मशीन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसकी कैपेसिटी बहुत ही हाई है, ये एक टाइम में 450 पेज के बुक को बाइंड कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों, 1 घंटे के अंदर 100 से लेकर 150 बुक को बाइंड कर सकती है। मतलब अगर हम 1 घंटे में 120 भी पकड़े तो 1 मिनट में 2 बुक को बाइंड कर सकती है। लेकिन जो मैनुअल मशीन होती है वो ज्यादा टाइम लगाती है। तो दोस्तों, आप अपने हिसाब से खरीद सकते हैं। मैनुअल मशीन आपको मिल जाएगी लगभग 25,000 रुपए के आसपास, लेकिन ऑटोमेटिक जो मशीन होती है वो आपको मिलती है 1,00,000 रुपए से लेकर 3,00,000 रुपए के बीच में। तो आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीद सकते हैं। दूसरी मशीन है पेपर कटिंग मशीन। दोस्तों, इसका इस्तेमाल पेपर को काटने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कोई पेपर है जिसका साइज बड़ा है लेकिन आपको छोटी बुक बाइंड करनी है, तो आप इस मशीन की मदद से काट सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, बुक को बाइंड करने के बाद कुछ पेपर बाहर निकल जाते हैं,
कवर बड़ा हो जाता है या फिर आपको बुक को काटना होता है, तो इस मशीन की मदद से आप आसानी से काट सकते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा ये मशीन भी आपको दो तरीके से मिल जाएगी, सबसे पहली मैनुअल ऑपरेटेड और दूसरी ऑटोमेटिक मशीन, तो आप अपने हिसाब से खरीद सकते हैं। मैनुअली ऑपरेटेड मशीन आपको लगभग 15,000 रुपए में मिल जाएगी और ऑटोमेटिक मशीन आपको मिलेगी 1,00,000 रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए के बीच में। दोस्तों ऑटोमेटिक मशीन का फायदा क्या होगा कि एक तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, इसके अलावा ऑटोमेटिक मशीन के अंदर एक स्केल आती है जिसके हिसाब से आप प्रिसाइसली काट सकते हो, मतलब आपको जितना काटना है उतना ही कटेगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कटेगा। लेकिन मैनुअली मशीन में आपको अपने हिसाब से काटना होता है तो कभी आगे पीछे भी हो सकता है, तो आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से मशीन खरीद सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको दो चीजों की और जरूरत होगी, कंप्यूटर और प्रिंटर। दोस्तों कंप्यूटर आप अपने हिसाब से असेंबल करवा सकते हो। बुक बाइंडिंग बिजनेस शुरू करने के लिए अगर आप कंप्यूटर बनाते हो तो 30,000 से 35,000 रुपए में आसानी से बन जाएगा और अच्छा वाला प्रिंटर आपको 15,000 रुपए तक मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर हम टोटल करें तो ये चारों चीज आपको लगभग 3,00,000 रुपए में मिल जाएगी। इसके अलावा 50,000 रुपए की आपको जरूरत होगी रॉ मटेरियल के लिए और दोस्तों आपको 50,000 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए होंगे एज अ वर्किंग कैपिटल। तो अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 4,00,000 रुपए होने चाहिए। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बुक बाइंडिंग प्रोसेस के बारे में। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूँ कि बुक बाइंडिंग कैसे होती है। दोस्तों सबसे पहले आपको जरूरत होगी कवर की। दोस्तों कवर प्रिंट करवाते वक्त आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, आप जिस भी साइज की बुक बाइंड करना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको मिडल में स्पेस छोड़ना होगा। उसके बाद में दोस्तों बाइंडिंग शुरू करने से पहले आपको एक बार चेक कर लेना है कि जो भी पेपर है वो प्रॉपरली इसमें फिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। उसके लिए दोस्तों आप स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब कुछ प्रॉपर होने के बाद आपको जरूरत होगी बाइंडिंग मशीन की। दोस्तों आपने जितने भी कवर प्रिंट करवाए सारे के सारे आपको ऊपर की तरफ रख देने हैं। उसके बाद में जो भी पेपर है उसको आपको बाइंडिंग मशीन के अंदर डालना होगा। उसके बाद में बाइंडिंग मशीन आगे की तरफ जाएगी और पेपर और कवर के बीच में ग्लू लग जाएगा और वो दोनों चिपक जाएंगे और आपकी बुक बनकर रेडी हो जाएगी। देखिए दोस्तों आप खुद देख सकते हैं बुक तो बन चुकी है लेकिन इस बुक में एक प्रॉब्लम है, कवर के बाहर पेज निकल रहे हैं। तो हमको क्या करना होगा, तीनों साइड से थोड़ा थोड़ा काटना होगा। तो काटने के लिए हमको जरूरत होगी कटिंग मशीन की। दोस्तों सबसे पहले क्या कर लेना है, स्केल से आपको माप लेना है कि कितने साइज का आप काटना चाहते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था मशीन के अंदर भी स्केल होता है तो आपको सिंपली सेट करना है, उसके बाद में आप जितना काटना चाहते हैं उतना कट जाएगा। देखिए दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं विद इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड ये कट चुका है और आपको बाकी के दो साइड भी काट लेने हैं, उसके बाद में आपकी बुक बनकर रेडी हो जाएगी। तो दोस्तों आप खुद समझ गए होंगे बुक बाइंडिंग का प्रोसेस कितना आसान है। तो दोस्तों आपने देखा बुक बाइंडिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, कितनी मशीन खरीदनी होगी, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बताया। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इस वीडियो में जो चीज हमने कवर की है उसको सॉफ्ट कवर बाइंडिंग कहते हैं। इसके अलावा तीन तरह की बाइंडिंग और भी होती है, जैसे कि हार्ड कवर बाइंडिंग होती है, फिर स्पाइरल बाइंडिंग होती है और कॉइल बाइंडिंग होती है। तो अगर आप बुक बाइंडिंग का बिजनेस शुरू करते हैं तो चारों तरह की बुक बाइंडिंग भी कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो खाली सॉफ्ट बाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि अगर आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपको कौन से लाइसेंस लेने होंगे और कहां कहां पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। दोस्तों अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करना होगा। जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन आप किसी भी फॉर्मेट में करवा सकते हैं, आप एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप करवा सकते हैं, एज ए पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी करा सकते हैं। लेकिन ये बिजनेस बहुत बड़े लेवल का बिजनेस नहीं है तो प्राइवेट लिमिटेड कराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों इस बिजनेस में आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी हो सकता है क्योंकि इस बिजनेस में आप डील करने वाले बड़े बड़े क्लासेस से, कॉलेज से, स्कूल से, एनजीओ से और भी बड़े बड़े ऑफिस से, तो वो लोग आपसे जीएसटी वाले बिल की डिमांड करेंगे और अगर आपके पास जीएसटी वाला बिल नहीं होगा तो हो सकता है आपके ऑर्डर कैंसिल भी हो जाए। तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको जरूरी है कि जीएसटी नंबर लेना ही होगा, लेकिन आपको जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा दोस्तों ये बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको शॉप एक्ट लाइसेंस लेना होता है जिसको बहुत सारी जगह पे गुमास्ता भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी बैंक में करंट अकाउंट खुलाना होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं। अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते तो एक बार आपका बिजनेस सेट हो जाए उसके बाद में भी आप करा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप बुक बाइंडिंग बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको ये सारे लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन करवाने होंगे। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन नहीं बता पाऊंगा क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस में क्या होता है, हर एक ऑर्डर थोड़ा सा यूनिक ऑर्डर होगा, हर एक ऑर्डर कस्टमाइज होगा, तो हर एक ऑर्डर के पीछे आपको अलग अलग प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं आपको लमसम बता सकता हूँ कि इस बिजनेस में आपको 30% से लेके 50% का प्रॉफिट मार्जिन होने वाला है। मान लीजिए कि अगर आप कोई बुक बनाते हैं जिसका कॉस्टिंग पड़ता है 20 रुपया, तो आप सामने वाले कस्टमर को 26 रुपया कॉस्टिंग दे सकते हैं या फिर 30 रुपया भी दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके आसपास में कोई दूसरा बुक बाइंडिंग करने वाला नहीं है तो आपके लिए और भी फायदा होने वाला है, आप 100% से ज्यादा का भी प्रॉफिट मार्जिन रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास में ऑलरेडी कोई दूसरा बुक बाइंडिंग वाला है तो आपको प्राइस थोड़ा कॉम्पिटिटिव रखना होगा, अदरवाइज आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे।
दोस्तों अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले आपको अपने आसपास के एरिया में रिसर्च कर लेना चाहिए। अगर आपके आसपास के एरिया में बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस बिजनेस को कर रहे हैं तो इस बिजनेस को मत कीजिए, लेकिन अगर कोई भी ये बिजनेस नहीं कर रहा है तो आप इजीली इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले रिसर्च करते हैं तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।